फैजल सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपने उद्घाटन का आयोजन किया, इस बच्ची को आप इतना सम्मान किए, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज दो मकसद नेक इधर हुए हैं। सूफी इंसानियत बोर्ड के सदर सैयद जावेद साहब है और जिलानी इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रेवल्स भी उन्हीं का ही है और उनके को पार्टनर है शेरखान पठान साहब। जब ये चीज़ के बारे में मुझे मालूमात हुई और बताया गया कि हम एक उद्घाटन रखना चाहते हैं, फैसल साहब आप अगर आओ तो हमें बड़ी खुशी होगी, तो उस वक़्त मैंने अपने जहन में सबसे बड़ी जो बात रखा था, इनसे एक सवाल पूछा था मैंने, इनके सदर से सूफी इंसानियत बोर्ड के, क्या आपका जिलानी इंटरनेशनल टूर्स का मकसद क्या है? तो इन्होंने कहा था मुझसे कि जो साहिब माल मुकम्मल तौर पे नहीं है जिनके पास, यानी कम अखराजात में ज़्यादातर बगदाद शरीफ, नजफ, करबला, कम से कम पैसे के अंदर लोगों को वो जगह की ज़्यारत कराना, ये हम लोगों का मकसद है। तो मैंने लब्बैक किया और बड़ी खुशी और आमद किया उनकी एक नए ख्याल के लिए। फिर मैंने उनसे कहा कि ऐसा किया जाए कि जैन गुणरत्न सदावते जो एक 10 साल की बच्ची है, उसने बड़ा नेक काम किया, तो उसके लिए आपकी क्या राय? तो वो खुशी से समा नहीं पाए, उद्घाटन के दो दिन पहले खुद जाकर सदर सूफी इंसानियत बोर्ड के सैयद जावेद साहब जैन को दावत दिए, उन्होंने दावत कबूल की और आज अपना कीमती वक्त देकर उन्होंने अपना यहाँ आकर जो अपना मोहब्बत का इजहार किया है इस उद्घाटन के अंदर जिलानी इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रेवल्स का, ये उन्होंने अभिनंदन किया। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे कहने पर उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ आकर आज इतनी अच्छी तरह से हम लोगों को एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश, हम लोगों का जो मकसद था, हमारा मकसद सिर्फ एक ही था, जो सब्जेक्ट पे बरसों से मैं खुद पर्सनली सोशल एक्टिविटीज़ के हैसियत से काम करते हुए आ रहा हूँ, मैं पूरा जीवन ये चाहता हूँ कि इंसानियत से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, ये जो मेरा मकसद रहा है हमेशा हर इशू के अंदर। और वो जो मानवता का जो सबक अल्लाह ने जो ये बच्ची से लिया, ये बहुत नेक काम हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बच्ची को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और इसी हिम्मत और अफजाई से लोगों की खिदमत करती जाए, यही मेरी दुआ है। यही कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। I'm Zain Gunaratan Sadavarte and I study in DBIS, Don Bosco International School. I'm a sixth grader. What's that situation when you deserve that the calamities you have preferred to save the peoples? What is that condition? Will you explain in brief? First and foremost, yes, actually. So this is the day when the fire had started, and then there was a hurricane, like not the real hurricane, but the hurricane that people started by having panic in themselves. And I just say that don't have panic, and that's what is gonna be my motto. So what technique you had used for that? Okay, yeah. So this is a really ancient technique, that is taking cotton roll, cotton paper, and then adding water into it. After adding water, it is a really good purifier. It will purify carbon, that is smoke, out of oxygen. That means you'll only get oxygen and not carbon. And so you can breathe. So by this, as the fire wouldn't have killed the people, but the smoke would have. So this was one of the most important measures that I had to take. So after this incident, what message do you want to give the people to save their life? So actually, if next time such kind of thing is happening, then I'll tell them not to run away from fire. So if you, how much ever you run away from fire, if you're in the middle of the full circle, then that much you'll be hurt. At the place of that, why don't you stay back, help others, help yourself, and look forward for the condition. And so at last you'll get out of the full situation. Then ek sawal hai ki ye training aapne kahan se kaise aapko ye khayal aaya hai?
क्या सीखा आपने? मैंने एक्चुअली थर्ड ग्रेड में देयर वाज अ सब्जेक्ट लाइक देयर वाज अ टॉपिक एंड देन देयर वर लॉट ऑफ डिजास्टर्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देन देयर वाज दिस great wave at Japan, and there was this Hurricane Katrina at America. So because of all of this, I asked my teacher, now these all things are happening, and so you know, how can we literally go and save them? Oh, there's so many people dying, what safety measures can we take? Then my teacher was like, why don't you go and you search, and then you tell us about your experience, about what kind of things could we do, what kind of things shall be done. And so I researched about it. बहादुरी के बाद में आपने इतना बहादुरी काम किया, इसके बाद में जो आपको बाद सम्मान मिल रहा है, इतना आपका नाम हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? It's just okay. Doesn't matter to me. Have you done this training from any genuine institute? No, nothing. It's just simple research of 1.5 year. 1.5 year from any academy? From books. From? Books. Thank you. आप क्या कहना चाहेंगे इस ट्रेवल्स के अवसर पर जो फंक्शन अटेंड किया है, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं ये कहना चाहूँगा कि टूर्स एंड ट्रैवल्स का तो ओपनिंग हुआ और लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी को और बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं। हमें आज खुशी ये हुई कि हमें एक 10 साल की 12 साल की जो बच्ची है, उसने जो काम किया है, जो हीरो है हमारे लिए, आज उसके हाथ से हमने ओपनिंग की है। ये बड़ा हमें इत्मीनान हुआ, खुशी हुई। और दूसरा, ये टूर्स एंड ट्रैवल्स के ताल्लुक से ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी ज़्यारत उमरा और हज का जो है, वो हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएँ, मिडिल क्लास और गरीब लोग भी जाए इसमें। ये हाई क्लास नहीं है, ये गरीब और मिडिल क्लास के लिए हमने कुछ सोचा है कि कम से कम पैसे में जो बेचारे उम्मीद रखते हैं, तमन्ना रखते हैं वहाँ तक जाने की, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के रसूल की बारगाह में, तो वो कि इनको ये जरिया एक मिल जाए कि कम से कम पैसे में जो है वो वहाँ पहुँच सके और ज़्यारत कर सके। और दूसरा ये कि ये बच्ची जो हमारी है, सदावत साहब की जो साहबजादी है, उसने जो काम किया है, उसके लिए जो जितना भी बोले उतना कम है, उतना बेहतरीन काम आज के दौर के हिसाब से उसने इंसानियत का किया है और जान बचाने का किया है। तो हम उसे खुशखबरी देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, दुआ देते हैं कि अल्लाह इसको तंदुरुस्ती देवे, उम्र दराजी देवे। और इसके इनके माँ बाप के जो उनकी माँ बाप की जो तरबियत है, उसको भी हम एक नज़र से देखेंगे कि उनकी तरबियत भी आज काम आई है बच्ची के लिए। जहाँ तक कि इस बच्ची ने इतना बड़ा काम किया है, सरकार तक ये बात पहुँचनी, मेरे ख्याल से ये पहुँच जानी चाहिए, पहुँच चुकी होगी। तो इस बिना भी क्या सरकार को इसे पदक देना चाहिए? जरूर 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 देना चाहिए सरकार को। इस मसले के ऊपर उसका ध्यान देना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहिए सरकार को कि देखिए ये जो मुसीबत में जो हालात होते हैं, पैदा होते हैं, उससे बाहर कैसा निकला जाता है। तो ये बच्ची को जो मेडल, जो पदक जो बोल रहे हैं, वो भी मिलना चाहिए। ये हमारी तरफ से भी हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि इसको बुला के हमारी बच्ची को जो है पदक दिया जाए। सर आपका नाम? मेरा नाम है सैयद जावेद कादरी और जिला इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स और सुफी इंसानियत बोर्ड के हम प्रेसिडेंट हैं। बस यही हमारा तारुफ है। सर इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले तो सूफी साहब को और उनके दूसरे साथी शेर खान साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा काम शुरू किया है, क्योंकि ये इंटरनेशनल टूर है, इसमें ख़ास करके उन्होंने ज़्यारत उमरा हज इन पर कारोबार शुरू करना है। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने एक फोरम बनाया है जो इंसानियत का पैगाम देने के लिए सूफी साहब के नेतृत्व में काम कर रहा है, तो उसके तहत ही आज उन्होंने उस बच्ची को, जैन को, यहाँ बुलाया जिसने पिछले दिनों परेल में हुए हादसे में इसने काफ़ी लोगों को बचाया। और उसने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया वो बहुत कम लोगों को जानकारी है। मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्ची ने एक ऐसा काम कर दिया कि उन घरों में जहाँ पे इस तरह की बिल्डिंगें हैं, जहाँ परेशानियाँ हैं, भेजकर लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, बताना चाहिए कि इमरजेंसी में किस तरह से बेहतर तरीका अख्तियार किया जा सकता है। उस छोटी सी बच्ची ने उन हालातों में, जब पूरी बिल्डिंग के अंदर धुआं भर गया था और चारों तरफ आग थी, लपड़ती तकलीफें थी, तो उसमें लिफ्ट बंद हो गई, उसके अंदर लोग परेशान, उसने कई लोगों की जान बचाई, घर वालों को बचाया। तो ऐसे में मैं उनके उनके फैमिली को मुबारकबाद देता हूँ
और फैसल भाई को इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि उस बच्ची को यहाँ ले आए और एक अच्छे काम की शुरुआत उसके हाथों से किया, क्योंकि राजनीति में लोग हैं, दूसरी चीज़ों में हैं, तो कहीं भी आते जाते रहते हैं। हमें अपने उन असली हीरोज़ को पहचानने की के लिए कोशिश करना चाहिए जो इस देश के मुस्तकबिल भी हैं, उसके भविष्य हैं, क्योंकि वो बच्ची अभी इतनी कम एज में, मैंने भी उसको पूछा कि आपको ये स्कूल में सिखाया, तो उन्होंने कहा मैंने सर्च किया। यानी जो आज सर्चिंग का मामला है गूगल पर, इससे ये नहीं है कि उसमें सिर्फ हम फालतू गिरी के लिए कोई काम करें, हम अगर सर्च करना चाहें तो अच्छी चीज़ें भी ला सकते हैं। जो उस बच्ची ने सर्च करके ये बता दिया कि अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें तो इंसानियत का भी काम कर सकते हैं और इंसानों को बचाने का भी काम। सर, आपका नाम और डिग्री? मैं निज़ामुद्दीन राइन, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी संगठन का मुंबई का मैं सदर हूँ और इसीलिए समाज में काम करता हूँ, लोगों के लिए पहुँचूँ और लोगों के लिए काम कर सकूँ। मैं सईद मूसा, मुंबई का एक सोशल वर्कर हूँ। आज मुझको बड़ी खुशी और फ़ख्र है, मेरी देश की बेटी जिसने एक इतना अच्छा एक मैसेज दिया है कि खुद की जान बचाना और लोगों की जान बचाना। जो बड़े लोग जो है मतलब अपना होश खो दिए थे, जो लिफ्ट के अंदर चले गए थे, अगर वो लोग अगर थोड़ा बच्चे के दिमाग से अगर काम करते हैं, जिसने मतलब है ना सूझबूझ का काम किया है कि ऐसे हालात में लिफ्ट को इस्तेमाल नहीं करना है, अगर ऐसे हालात के अंदर हमको क्या करना है, उसने खुद की जान नहीं पूरे और भी बिल्डिंग में कई लोगों की जान बचाई है। मैं मुंबई कर की तरफ से उसको मैं सलाम करता हूँ और मैं मार्शल गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ कि इसको एक जो अच्छा जो अवार्ड जो डिज़र्व करती है उसको एक रिकॉग्निशन उसको मिलना चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो ये भी कि एक इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल के ज़रिए से आज उस मंच पर आई है और इन्होंने भी अच्छा काम किया है कि गरीब लोगों को सोच के ये टूर शुरू किया है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको बरकत भी देगा और इंसानियत का जो पैगाम है आज पहला ये नन्ही बच्ची को इनाम देकर इन लोगों ने कि मैसेज दिया है कि ये टूर के अलावा इंसानियत का पैगाम जो काम है पहले से शुरू कर दिया है। सईद मूसा मैं पहले बता चुका हूँ और मेरा मकसद अपना नाम रिकॉग्निशन नहीं करना है, मेरा मकसद है कौन का काम करना। धन्यवाद। माझं नाव यशवंत गंगावणे आहे, मी बहुजन परिषद आणि रिपब्लिकन फोर्सचं काम करतो। फैसलभाई आणि शेरखान आणि सोफिया साहेब हे माझे चांगले मित्र आहेत आणि फैसलभाईंनी मला आज सांगितलं की आम्ही इंटरनॅशनल टूर्स म्हणून हे बॉपीचं उद्घाटन करत आहोत आणि ते ज्या क्रिस्टल टॉवरला आग लागली आणि त्याच्यामध्ये सगळ्या लोकांना वाचवण्याचं काम केलं, ती आमच्या मित्राची कन्या जे ॲडव्होकेट बारा सदावर्दे हे माझे मित्र आहेत आणि त्यांची कन्या जिनी, तिने बऱ्याचशा लोकांना त्या ठिकाणी आगीतून वाचवलं, म्हणून त्यानिमित्त या ठिकाणी तिचंही अभिनंदन आणि माझे मित्र फैसलभाई यांनी ज्या ऑफिसचं उद्घाटन केलं त्यांचं पण अभिनंदन। आणि ते सातत्यानं फैसलभाई हे माझ्या आंदोलनाशी निगडीत असतात। आत्ताच 17 तारखेला आम्ही मखदुमशा बाबा माहीम स्टेशनला नाव देण्याचा जो आम्ही संकल्पना केला त्या संकल्पनेमध्ये फैसलभाई हे प्रमुख भूमिकेमध्ये होते, म्हणून मी या ठिकाणी त्यांना माझ्या ज्या ज्या संघटनेत काम करतो त्यांच्याकडून शुभेच्छा व मखदुमशा बाबा यांचं नाव माहीम स्टेशनला देण्यात यावं ही एक आमची कमिटी, यांच्याकडून मी यांचं स्वागत करतो आणि इथेच थांबतो। जय भीम, जय भारत। I'm a 6th grader, and so basically what I am going to talk to you about is nothing much, but never run from fire, thunder, hurricane or water. It won't hurt you till you don't run away from it. If you show that you're scared, it's going to come running again towards you, and if you show that you're not scared, it's going to run away from you. And when you have the strength to control yourself, your peace of mind, and when you've never lost what you have to, you'll just stand on your leg, you'll be rooted to the ground, and then you'll reach your aim, your goal, where you have to reach. It's not only about fire, it's not only about hurricanes, it's not only about oceans, but it's all about who you are, what you can do, and what you can be. It depends on you if you want to stand still and watch your death, or if you want to light up, brighten yourself and control the situation. Be rooted to the ground until you fly to the sky. Very good. Very good.
आपने किस तरह से साहस कैसे आ गया वो बच्चों को बताइए तो बच्चे भी प्रोत्साहित हो आपसे आपने बताया बच्चों को तो पहले क्या हुआ था कि there was a lot of smoke coming in my house and so तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो परेल के पास एक क्रिस्टल टावर बिल्डिंग थी वहाँ पे अचानक आग लग गई थी। आग लगने के बाद सब लोग घबरा रहे थे, कुछ लोग मतलब है ना धुएं से घबरा चुके थे, कुछ लोग ऊपर भाग रहे थे, कुछ लोग लिफ्ट में फंस गए थे। ये बहादुर बच्ची ने एक ऐसा करनामा किया कि आग से भागना नहीं चाहिए। ये इंग्लिश में आप लोगों को क्या समझाया, उसने ये समझाया कि आग से भागना नहीं चाहिए, हमको हालात का मुकाबला करना है, हमको समझना है कि ऐसे हालात में हमको करना क्या है। अगर आप डर के भागोगे तो आप भी अपनी जान से खो जाओगे, दूसरों की भी जान का नुकसान पैदा होगा। इसने समझदारी से काम किया, इसने मतलब गूगल से मतलब दुनिया के अंदर जो आफतें आती है उसको रिसर्च किया था, उसको उससे मालूम किया कि मुझको भी अपने आप को बचाना है और लोगों को बचाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका दिमाग, इसका पेशन, इस 10 साल की उम्र के अंदर 6 क्लास की बच्ची ने एक ऐसा काम किया है जिसमें सारे हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया है कि छोटी बच्ची हूँ मैं लेकिन काम बड़ा कर दिए हूँ। इंसान को अगर बचाना है तो खुद पे जब मुसीबत आ जाए तो खुद को भी बचाते हुए इसे दूसरों की जान को बचाया है। तो हम लोग अपनी तरफ से मुंबई की तरफ से इसको सैल्यूट करते हैं। ओके बच्चे, हम लोग इसको मुबारकबाद देते हैं। ओके अंबेडकर साहब हमारे बीच में मौजूद है जो परेल से तशरीफ लाए हुए। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस बच्ची के लिए और बच्चों के लिए दो शब्द कहें। 3 दिन पहले जो परेल में क्रिस्टल टावर में जो हादसा हुआ, शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लग गई थी, मैं खुद उधर गया था वो टाइम पे। मगर ये बच्ची ने वो टाइम पे इतनी हिम्मत दिखा के सब जो धुएं में फंसे थे लोग उनको मुंह पे ऐसा गिला एक रुमाल डाल के वो धुआं शरीर के अंदर जाना नहीं चाहिए वो टाइम पे, ऐसा इतना धाड़स करके कम से कम 12-13 लोगों की जान बचाई है। तो वो लोग भी धुएं में शायद तकलीफ हो जाती थी उनको भी, मगर इसने अकेले ने वो 12-13 लोगों की जान बचाई है। बहुत ही अच्छा काम किया इसने, इसके लिए मैं इसको तहरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अच्छा काम इन्होंने जो मैसेज दिया है, आगे बच्चे लोगों को भी ये धाड़स करना चाहिए, ऐसा मैं सबको कह रहा हूँ। आज के ये ओपनिंग के शिरोमणि के टाइम पे शेर खान जी को भी मैं बधाई देता हूँ।